दोस्तों बॉलीवुड एक्टर गोविंदा आज अपना 55वां जन्मदिन मना रहे हैं। दोस्तों गोविंदा ने 80 और 90 के दशक में एक से बढ़कर एक फिल्में दी थी। उनकी जिंदगी में तमाम उतार चढ़ाव भी आए। दोस्तों आज गोविंदा के जन्मदिन के मौके पर चलिए जानते हैं उनकी उनसे जुड़ी कुछ खास बातें। दोस्तों 16 जनवरी 2018 को शूटिंग के दौरान गोविंदा ने एक फैन को थप्पड़ मार दिया था। गोविंदा को थप्पड़ मारने को लेकर दोस्तों काफी विवाद भी हुआ था और गोविंदा ने जिसे थप्पड़ मारा दोस्तों उसका नाम था संतोष राय। दोस्तों गोविंदा अपनी कमबैक फिल्म मनी है तो हनी है की शूटिंग कर रहे थे। उस वक्त टीवी को दे रहे एक इंटरव्यू के दौरान गोविंदा ने अपने इस फैन को तमाचा लगा दिया। दोस्तों हालांकि थप्पड़ मारने के बाद में गोविंदा ने बिना शर्त माफी भी मांग ली। दोस्तों वहीं आपको बता दें गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को मुंबई के विरार इलाके में हुआ था। गोविंदा के पिता अरुण कुमार आहूजा और माँ निर्मला देवी थी। दोस्तों गोविंदा के पिता ने महबूब खान की 1940 की फिल्म औरत में काम किया था। दोस्तों गोविंदा अपने सभी भाई बहनों में सबसे छोटे हैं और उन्हें प्यार से चीची भी बुलाया जाता है। दोस्तों चीची का पंजाबी मतलब छोटी उंगली होता है। वहीं दोस्तों आपको बता दें गोविंदा ने वसई के अन्ना साहब वर्तक कॉलेज से पढ़ाई की थी। उनके पिता ने गोविंदा को फिल्मों का करियर सुझाया। दोस्तों गोविंदा ने सुनीता से विवाह किया और उनकी एक बेटी टीना आहूजा और एक बेटा यशवर्धन भी है। दोस्तों आपको बता दें गोविंदा की डेब्यू फिल्म इल्जाम थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। फिल्म से गोविंदा रातों रात डांसिंग स्टार भी बन गए थे। और दोस्तों गोविंदा पहलाज नीलानी की फिल्म रंगीला राजा से बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं। फिल्म में गोविंदा डबल रोल प्ले करते दिखेंगे। दोस्तों ये फिल्म उनकी 11 जनवरी 2019 को रिलीज होने जा रही है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।